Welcome to Thai News Studios. You are watching 4 p.m. Bulletin. महंगाई ए गुर्बत के मारल अवाम मथा पेट्रोल बम किराने जो तैयारी मुकम्मल। पेट्रोल 4 रुपया 20 पैसा ए हाई स्पीड डीजल के अघ में 3 रुपया 50 पैसा फी लीटर वाध की तजवीज। ओगरा तेल अघन में वाध बाबत समरी पेट्रोलियम डिवीजन दा उमाणे छी। वजीर आजम की मंजूरी का 16 जून का नवा अघ लागू थी वा। मैं दो तीन दिन नहीं था यहाँ, लेकिन जो खबरें पढ़ता रहा, ये गोला बारूद के जी ये तो प्रोविंशलाइज हो गया है और फलाना है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। और मैं सिंध की बात करूँगा ना, और मैं कहाँ की बात करूँगा। हमें वो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती थोपे गए हैं। हर जगह पर होता है कि ग्राउंड से प्रोजेक्ट्स कंसीव होते हैं, ऊपर से नहीं होते। इस्लामाबाद से बैठ के प्रोजेक्ट्स कंसीव, ये हमारे तारीख का हिस्सा बनेगी कि जी एक सूबे ने फैक्चुअल बेसिस पे ऑब्जेक्ट किया। फेडरल गवर्नमेंट सूबों के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स देने की बजाय आप नालों पे और गलियों पे और मैन होल्स पे और गटरों पे काम कर रही है। ये कह देना कि ये चोर हैं और ये डाकू हैं, उनसे काम नहीं चलेगा और फलाना आर्टिकल जो याद आता है आर्टिकल को गलत सही पढ़ दिया, ये आर्टिकल लगा दो, अच्छा ये नहीं लगता तो ये लगा दो, तो भाई कुछ नहीं लगता। ये आईन शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का है। इस आईन के अंदर सूबों को पूरा आके सूबों को तुम ऐसे नहीं कुचल सकते जिस तरीके से तुम सोच रहे हो। ग्रीवन इर्सा के साथ है और फेडरल गवर्नमेंट के साथ है कि फेडरल गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर रही है इर्सा को और उन्हें फोर्स कर रही है कि अकॉर्ड इम्प्लीमेंट ना किया जाए। सूबे की गाल कयां तो हमला कया वन था, बजट में अड़ा मनसूबा असाते मढ़िया वया जिन की जरूरत भी न हुई। इस्लामाबाद में मनसूबा तय नाहन थींदा, वफाक आइन तहत सभी सूबन के बराबरी से दिसे। कल एक वजीर चयो तो सिंध के 1600 अरब दिना, यो असो आइनी हक है, को एहसान ना कर आइन जो जो आर्टिकल याद अचे तो वो लगने जो मुतालबो किया वे तो। वडे वजीर मुराद अली शाह है तो आइन में सूबन के पूरा हक मिलल है, तहाँ सूबन के ये नथा कुचले सको। वफाक असाके जेके फंड्स देने जो वायदो कयो उनन जो अध भी ना मिलो। आदमशुमारी में सिंध की आबादी के घट दिखारे वयो। सिंध सरकार आइनी हक इस्तेमाल कंदे आदमशुमारी बाबत पार्लियामेंट जो गदल इजलास सदाने लाय खत लिखो। सेनेट चेयरमैन गदल इजलास लाय स्पीकर कौमी असेंबली के लिखो है, उम्मीद आदमशुमारी ते बहस लाय पार्लियामेंट जो गदल इजलास जल्द तलब थींदो ऐं पार्लियामेंटेरियंस हक जी ॻाल्हि कंदा। कराचीअ में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान वॾे वज़ीर चयो त इर्सा ते दॿाउ विधो पियो वञे त इकानवे वारे माहिदे तहत पाणीअ जी विछ न कयो। पाणी बहरान जा ज़िमेवार वफ़ाक ऐं इर्सा आहिनि। पाणी खोट आहे त सूबनि में हिकु जेतिरी विछ कई वञे। CCI में पाणी जो मामिलो उथारियो पर 3 सालनि खां न थियल आहे। तव्हां माण्हू मारण जो ठीको खयो आहे, तव्हां ऐं तव्हांजे वज़ीर खां कुझु नथो थिए। तव्हांजा हथ माण्हुनि जी रत सां रंगियल आहिनि। तव्हां खां रेलवेस खातो नथो हले त छॾे ॾियो। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्रीअ में रेलवेस जी ज़मीन ते कब्ज़े बाबति केस ते ॿुधणीअ दौरान चीफ जस्टिस जी सेक्रेटरी रेलवेस खे छंडियो। चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद रिमार्क्स ॾींदे चयो त तव्हांजे दौर में 2000 माण्हू ट्रेन हादसनि में फौत थिया, तव्हांजा मज़ा आहिनि। माण्हू भली मरनि, तव्हां त सेक्रेटरी लॻा पिया आहियो, तव्हां रेलवे जी ज़मीन खपाइण में लॻा पिया आहियो त पैसा खीसनि में कीअं विझणा आहिनि। रेलवे खे ज़मीन विकिरो करण जो को बि इख़्तियार नाहे। हादसे खां पोइ रेलवे वारा उते पहुची वेंदा आहिनि। फौत थियलनि जे पोयनि लाइ 15-15 लख रुपियनि जे मुआवज़े जो ऐलानु कयो वेंदो आहे। माण्हुनि खे तव्हांजा 15 लख न, पंहिंजा वालदेन ऐं प्यारा घुरिजनि। रेलवे वज़ीर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ॾिठी, मूंखे लॻो त ट्रेन हादसे खां पोइ वज़ीर ऐं सेक्रेटरी रेलवे इस्तीफ़ा ॾींदा, पर ईअं न थियो। हीअ रुगो माण्हुनि खे माराए रहिया आहिनि। सिंध हुकूमत कराची ऐं सिस्टम खे कैनेडा मां हलाए पियो वञे। जेके कैनेडा में आहिनि उहे सिंध जा हुकुमरान आहिनि। अहिड़ियुनि हालतुनि में सूबो कीअं गुज़ारो कंदो?
एजी साहब तुम्हारे सब खबर है बुधाओ तो तुम्हारी हुकूमत को बो कि तो हलए सके कें उथी भी उनके रोकणो पवो। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चाराए फैसल से टावर की अदालत बाबत केस की बुधनी दौरान चीफ जस्टिस जो रिमार्क्स। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कावर जो इजहार कदे तो फलाही प्लॉट्स ए बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मौजूद हैं, पैसा दियो जी वणे ती कर सिंध हुकूमत है ही को इन सभी शयन पोया को बो है। एजी साहब तुम नाला सा प्रथा करा सको सूबो कि हलाइंद पार्लियामानी तर्ज की हुकूमत जो को मतलब है पार्लियामानी हुकूमत मजबूत होंगी है। कराची में गुजर औरंगी नाले सूधो समूर नालन ता हद दखल हटाने के लिए ऑपरेशन जारी रखने जो हुकुम, लीज थल बिना लीज घर डहण जो भी हुकुम, अलादीन पार्क जो शॉपिंग सेंटर ए पवेलियन एंड क्लब डहण जो हुकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑपरेशन मुताजिमन की दरख्वास्त रद्द करे सब जो सब लीज जाली हैं, गैरकानूनी लीज की बुनियाद ऑपरेशन नथो रोके सकजे। जिन घर निशान लगाया व्या भी डाथा वन नालन के बिन्हीं पासन का 30 फुट रोड ए फुटपाथ ठाया वा। बुधनी दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद रिमार्क्स पींदे हुकूमत ना हलंदी बल्कि सिंध में हुकूमत है ही को अस हद दखल जो खात्मो रोके ना सकूँ, सिंध हुकूमत के मुतासर की बहाली जो हुक्म दिनों वो। सिंध में तालीम जो एक मनसूबो 2600 अरब रुपये जो है, वो मनसूबो 2014 में शुरू थो 2017 में खत्म थो। इन पैसों में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी ठही वे हा। सुप्रीम कोर्ट जहाँ कराची में हद दखल खिलाफ केस से बुधनी दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद रिमार्क्स दीदे आरओ प्लांट से लगायल पैसों 1500 अरब रुपया है, थर जहाँ मानू अज भी पानी ला तड़पी रहा। नसीराबाद में जख्मी औरत के लोडर रिक्शा जरिए अस्पताल मुंतकिल करने वाले वाक़े जो हवालो डींदे चीफ जस्टिस तो कल मुख्य कें क्लिप मानी उनमें एक औरत के लोडर रिक्शा में अस्पताल नियो पे वो एम्बुलेंस न हुई। बजट जो मतलब आवाम लाए न पर पंजे लाए फंड रखण हों। एजी साहब मानुन के एक पैसे जो भी फायदो ना है। सिंध हुकूमत के कैनेडा में हलाया पे वे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हद दखल खिलाफ़ ऑपरेशन वाले केस से बुधनी दौरान कराची के मशहूर सनतकार यूनुस मेमन जो जिक्र कर। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद रिमार्क्स दीदे यूनुस मेमन कैनेडा में कराची के हलए रो है। यूनुस मेमन समूरी बिडिंग उतें वेही दिसे तो सिंध में हान रुगो आचर से कारोबार बंद रहो। दुकानदार कोरोना वैक्सीन लाजमी करार। ड्राइविंग लाइसेंस ठहराने लाए भी कोरोना वैक्सीन लगराने जो शर्त लागू। वड़े वजीर मुराद अली शाह की सदारत हेठे टास्क फोर्स के इजलास दौरान कोरोना सूरतहाल जो जायजो। सूबे में सुभाने खां 6 खां 8 दर्जे ताईं जा क्लासेस शुरू करण जो ऐलान। प्राइमरी खां 5 दर्जे ताईं जो तदरीसी अमल 21 जून का शुरू थींदो। मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध में कोरोना केसिस घट जी 4.5% ताईं पहुची विया आहिनि। सूबाई वज़ीर सईद गनी चयो आहे त स्कूल्स में शागिर्दनि जी 50% हाज़िरीअ जी इजाज़त आहे। स्कूल अमले के कोरोना वैक्सीन लगराइणी पवंदी। सिंध में जेका सूरतहाल है अड़ी सजे पाकिस्तान में किथे भी ना है। पढ़ने लिखने की जाए से गदह बधल आहिन। सियासतदानन का सिवाय को भी अड़ो इदारो बुधायो जिते मामला ठीक हलंदा हुजन। हर इदारो पंजो धार निज़ाम हलाए रो है। पानी कराची ताई ना आंदो वो पर कराची पानी ताई पहुंची वो। खबर पई है डिफेंस ए क्लिप्टन में खास मानुन के पानी दिनो वे तो कराची जो पानी निजी सोसाइटीज के दिनों पे वे। सुप्रीम कोर्ट तरफा कराची में पानी के मामले से बुधनी दौरान कावर जो इजहार। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद रिमार्क्स दीदे तो पानी चोरी थे तो पर आम मानुन के नथो मिले। न्यारी वारो ग्लास दिखारे तो उते मानू कारो पानी पींदा आहिन। तवा असा लाए कुछ न कयो पर आवाम लाए तो कुछ कयो। एजी साहब वाटर बोर्ड को भी कम नथो करे पोए पघार छाजी खणन था।
28 FIR दाखिल हुई है कि बहरिया के वाकये पे, दो गवर्नमेंट ने की है, एक बहरिया वालों ने की है, एक FWO ने कंप्लेंट की है दाखिल, और 24 प्राइवेट लोग हैं जिन्होंने FIR दाखिल की है। किसी ऐसे को हम नहीं पकड़ेंगे सिर्फ शक की बुनियाद पे। कुछ लोगों ने बेल ले ली है, अदालत का एहतराम करते हुए उनको हाथ नहीं लगाया जा रहा। इस सूबे ने बहुत बुरा टाइम देखा है। जो फायदा उठाने वाले लोग हैं उनको हम फायदा उठाने नहीं देंगे। अगर आप आके रोडों पे पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाएंगे तो आप में और अल्ताफ हुसैन में क्या फर्क रह जाएगा? आप किसी और के कहने में ना आए, जो भी आपको ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब आपने खुद देख लिया था ना, फायदा उठाने वाले अगले दिन पहुंच गए थे उधर और बहरिया के लोगों ने उनके साथ क्या किया वो भी आपने देखा। तो ये लोग हैं जिनसे हम यू नो प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले रहे हैं और ये इस सूबे के अमन अमान के लिए जरूरत बन गई है। पुरअमन एहतजाज करण सभिनी जो हक है। सूरत हाल में गलत फायदा वठण केंखे भी न डींदी। वे वजीर मुराद अली शाह है तो बहरिया टाउन अगर धरने बाद 28 केसेस दाखिल कया वह कंखे भी शक के बुनियाद से गिरफ्तार नो वे। कुछ मानून अदालत में जमानत कराए वरतू, उन में भी हथ न पाया विझू। रोडन से अची पाकिस्तान खिलाफ़ नारा हणंदव तो मुतहदा लंदन के सरबराह में कड़ो फर्क होंद। बहरिया टाउन अगर धरने के बे ढी फायद वर बहरिया टाउन पहुंची वह हुआ। अड़न मानून के करे हुकूमत अगवाट कदम खड़ी रही है। सिंधी वसंदन के कब्जे खिलाफ बहरिया टाउन अगर धरने बाद गिरफ्तार कल जसकम चेयरमैन सूधो 25 कारकुनन जो अदालती रिमांड मंजूर। कराची की दहशतगर्दी टोल अदालत सनान कुरैशी सूधो गिरफ्तार अगवान कारकुनन के 14 ढीन की अदालती रिमांड से जेल माने छो। मलीर में गिरफ्तार कल जसकम अगवान इलाही बख्श बिकक बिन ढीन के जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले। मलीर पुलिस जसकम चेयरमैन अगवान के हथ कड़ी लगे अदालत अगर पेश किया। सनान कुरैशी और बेन के बख्तरबंद गाड़ी जरिए दहशतगर्दी टोड़ अदालत पहुंचाया वो। सनान कुरैशी अदालत पहुंतल कारकुनन अगवान से भाकुर पाए मिल रो। जसकम के गिरफ्तार अगवान अदालत बहरा मौजूद कारकुनन से कचहरी भी कई। पक सुता हुआ धारन से गु धारे में जसकम चेयरमैन सनान कुरैशी जो अदालत बहरा मीडिया से गालियों कारकुनन के खिताब। सनान कुरैशी है तो असा पुरअमन शहरी आयो कदें भी हथियार नाहन खया, कुर्ब जहा कैदी आयो तदें गिरफ्तार किया वो, बाकी इतने दहशतगर्द आज़ाद हैं। धरती से धारियन जो कब्जो थी रो है जैसी सख्त लफ्जन में मजम्मत क्यों था। धारियन के कब्जे खिलाफ़ पुरअमन रैली कढ़ी हुई, रैली में जिन गलत अमल किया सरेआम सजा दिनी वे। बहरिया टाउन आदो धरने का पे धरती धरने लाए धरती तंग। कराची का कश्मोर ताई क्रैकडाउन, सभी अगवान कारकुन गिरफ्तार। मलीर में गडा पुलिस की नूर मोहम्मद गबोल गोठ से चढ़ाई, चाचा फैजू गबोल जो पोटो उस्मान माइट इमाम बख्श गिरफ्तार। हैदराबाद में पुलिस तरफा डॉक्टर कादिर मक्सी के घर जो घेराव, कारकुन जो वो अंग भी पहुंतल। जामशोरो में SUP कारकुन खिलाफ़ क्रैकडाउन, 3 गिरफ्तार। मीरपुर खास में भी SUP डिविजनल सदर और जनरल सेक्रेटरी गिरफ्तार। कोट गुलाम मोहम्मद में 18 कॉम्परसन से केस दाखिल। मोरो में SUP और SNP जहाँ 2 कारकुन गिरफ्तार। परीदन में जसकम अगवान अमजद शेख और सनाउल्ला लाशारी खंभजी वह। दौलतपुर, काजी अहमद, मेहराबपुर, भेरिया सिटी, पक्का चांग, भान सैदाबाद में भी छापा, केतरा ही गिरफ्तारी बाद गुम।
सजी सिंध में जसकम कारकुनन खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया वो है। कारकुनन के घर खंभियों पे वे सनान कुरेशी कारकुनन के भी तशद जो निशानों बढ़ाए पे वे जसकम के मरकजी अगवान डॉक्टर न्याज कालानी जो कराची अदालत बहर टाइम न्यूज से गाल डॉक्टर न्याज कालानी है तो सिंध के वसील की मालिकी लाए जिदोजहद जारी रखी वेंदी। सिंध के अवाम सूबे के हकन लाए तहरीक में भरपूर वोट दिनी है। सिंध सरकार वायड़ाए परेशानी जो शिकार है जेलन का डिजन वारा ना आयू। सिंध हुकूमत कारकुनन की वठ पकड़ कार्रवाई का पासो करे करमपुर के कच्छ में धारियन कैद बिन मुगविन मथा तशद की वीडियो वायरल। वीडियो में ऐसी सके तो बिन नौजवान जहा हथ पैर बधी खेन वैश्याणे तशद जो निशानो बनाया पे वे। वीडियो में धारियल चई रो है तो पुलिस असाजा ढोर काहे वही है उ वापस कर मुगवी वापस वी वो। मुगविन मथा तशद की वीडियो वायरल थे बावजूद पुलिस तारुफ न वरतो मुगविन जहा वारिस सख्त परेशान। नेवल ब्रिज से समूरी अदावत गैर कानूनी है। खबर ना तुम कर रहा हो कंटोनमेंट मकसद लाए जमीन न घुर्जे तो वापस कर। सुप्रीम कोर्ट कराची में पीएमटी कॉलोनी में हद दखल के खात्मे बाबत केस के बुधने दौरान चीफ जस्टिस तरफा कंटोनमेंट बोर्ड इख्तियार कावड़ जो इजहार। चीफ जस्टिस पांजे रिमार्क्स में रिपोर्ट न घुर्जे कम कर अचो कोरंगी वही ऐसो तो कि कब्जा थी रहा है। डिफेंस में कि प्लाजा ठही रहा है भित से गड भित है पार्किंग की भी जाए ना है। कड़ी रिपोर्ट दिसूँ तुम सजे डीएचए जो यो हाल किया है यो कम तुम्हारो न पर टाउन प्लानर्स जो कम है। एक बिल्डिंग ठहे थी तो उन गड पार्किंग भी ठाई वेंदी है। शहर में न ट्रांसपोर्ट है न पानी। जस्टिस एजाज उल अहसन रिमार्क्स दीदे तो सर्वे मूजिब रिहायश के लिहाज का शहर गंदो है। सुप्रीम कोर्ट कराची में किडनी हिल पार्क में हर किस्म जो हद दखलियों हटाने जो हुक्म दई छो। कमिश्नर कराची का बिन डी में तफसीली रिपोर्ट तलब। अदालत पांजे रिमार्क्स में चाहिए तो किडनी हिल पार्क में कें भी किस्म की कमर्शियल सरगर्मी न थी। पार्क में सजी 62 एकड़ जमीन खाली कराई वे। बुधने दौरान एडवोकेट आबिदा चनर चाहिए तो पार्क में अना भी मुकम्मल तौर हद दखलियों खत्म ना थी। अदालत कमिश्नर कराची का पुछाणो कर कमिश्नर साहब छा मसलो है रोजानो का न का नई शे ठही वे थी। कमिश्नर कराची चयो तो मु रिपोर्ट जमा कराए छी है रुगो एक मस्जिद एक मजार मौजूद है। चीफ जस्टिस रिमार्क्स दीदे चयो तो पहरी का भी मजार न हुई कब्जे जो इो ही तरीको है तो पहरी झंडा लगाया वेंदा आहिन। जस्टिस काजी अमीन पांजे रिमार्क्स में चयो तो जेकॾहिं मस्जिद नबवी की तौसी गैर कानूनी तौर न थी सके तो का बी मस्जिद कें तामीर थी सके थी। वफाकी हुकूमत खुदमुख्तियार नीम खुदमुख्तियार कॉर्पोरेशन्स में कम कदर सरकारी मुलाजमन बाबत साल 2019-20 की रिपोर्ट पधरी कर छी। वफाकी मुलाजमत में सिंध के बहराड़ी की कोटा की वे पैमाने से लतार जो इंकशाफ। सिंध की बहराड़ी के वफाक में 25,000 घट नौकरियों मिलने जो एतराफ़। पंजाब ए खैबर पख्तूनख्वा के 225,000 मुलाजमतू दिनी व्यू। मुलाजमतुन में सिंध सूबे के बहराड़ी के नज़रअंदाज किया वो कोटा का 35,254 घट मुलाजिम मुकर्र। सूबे की शहरी कोटा का 12,000 मुकर्रू थियल। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में मुकर्र कोटा का 94,423 फाटा में 21,410 पंजाब में मुकर्र कोटा का 7,755 मुलाजिम मुकर्र थियल। सिंध जिया बलोचिस्तान में भी कोटा का 13,481 घट मुलाजिम मुकर्र किया वह। इस्टैब्लिशमेंट डिवीजन तरफा हुकूमत इदारन कॉर्पोरेशन्स के मुलाजमन बाबत
रिपोर्ट जारी। कौमी असेंबली जो इजलास जारी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बजट से बहस की शुरुआत कर दो। वफाकी वजीर फवाद चौधरी है तो शहबाज शरीफ पर बजट बाबत गल कुछ ना है। इमरान खान की मुआशी ए सियासी हिकमत अमली अपोजिशन लीडर की क्लीन बोल्ड कर छो है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है तो सिलेक्टेड हुक्मरान IMF के मुलाजमन की तैयार कल बजट पेश कई। बजट के हर पन्ने से अवाम जो मुआशी कतलाम लिखल है। आम वापे की शयन से अरबे रुपये जो टैक्स लगाए अवाम दुश्मनी जो सबूत दिनो वो। कराची में गुजर नाले औरंगी नाले से ऑपरेशन मुतासर जो सुप्रीम कोर्ट अगैं एहतजाज। मुतासर तरफा वजीर आला हाउस ताई मार्च की कोशिश। पुलिस मुजाहरीन के शाहीन कॉम्प्लेक्स से रोके वरतो। धरने सबब CM हाउस सूधो मुख्तलिफ इलाक वेंदड़ ट्रैफिक बंद। औरतुन बारन सूधो एहतजाज कदड़ मुतासर तरफा घर रहने लाए ऑपरेशन रोकने जो मुतालबो। घर के बदरा घर जो बचाए वरतो बनी गाला ड्राहे छजा घर ए नाला की नारेबाजी। मुतासर चवण है तो असाजे लीज घर के भी डाहे पट किया वो घर के बदर घर दिना वन बचन सूधो दर बदर थे मजबूर किया वो है। असा पैं बचन लाए घर की छित घुरी रहा हूं। असो मसलो हल किया वे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ में अवे भलीकार चूं था। महताब अली नूर हेडलाइंस वाली थी। बुलेटिन से गड हाजिर थूँ था शॉर्ट।